नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 700 सालों के बाद बना होलिका दहन का यह शुभ संयोग। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने 16 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। 12वीं की पढ़ाई के लिए आज से करे रजिस्ट्रेशन। जेपी गंगा पथ कंगन घाट कनेक्टिविटी का काम पूरा। आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला सीएसके के होम ग्राउंड में होगा। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। 700 साल के बाद होलिका दहन का यह शुभ संयोग बना है। आज होलिका दहन का त्योहार है। होलिका से एक दिन पहले इसे मनाया जाता है। रात 11 बजे के बाद होलिका को जलाया जाएगा। आज चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन भारत में इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। इस कारण इसका महत्व तो नहीं रह जाता है। ज्योतिष के मुताबिक 700 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। इन 9 बड़े शुभ संयोग में होलिका को जलाने से कष्ट और पीड़ा दूर होंगे, साथ ही खुशहाली घर आएगी। पौराणिक कथा के अनुसार इसे अच्छाई पर बुराई की जीत को लेकर मनाया जाता है। 12वीं की पढ़ाई के लिए आज से करे रजिस्ट्रेशन। बिहार बोर्ड 12वीं में नामांकन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2024 और 2025 के लिए छात्र और छात्राएं 11वीं की पढ़ाई जहां कर रहे हैं, वहीं 12वीं की पढ़ाई भी जारी रखेंगे। परीक्षा समिति की ओर से आज से नामांकन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। ऑफ एसएस पोर्टल के जरिए वेबसाइट https://offssbihar.in higher-education-student-login.aspx पर आवेदन किया जा सकता है। विद्यार्थी किसी भी प्लस टू स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जेडीयू ने अपने 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। जेडीयू की लिस्ट के मुताबिक वाल्मीकि नगर से श्री सुनील कुमार, शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, झांझरपुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामेत, किशनगंज से मुजाहिद आलम, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुमार, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन, सिवान से विजयालक्ष्मी देवी, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरिधारी यादव, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, जहानाबाद से श्री चंदेश्वर प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। बिहार बोर्ड ने छठी बार पूरे देश में सबसे पहले जारी किया रिजल्ट। बिहार बोर्ड ने फिर से इतिहास रच दिया है। मालूम हो कि बीते दिन 12वीं के परीक्षा का परिणाम BSEB ने जारी कर दिया। इस तरह से बिहार बोर्ड ने छठी बार भी पूरे देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि बिहार बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन शुरू होने के मात्र 29 दिनों में रिजल्ट जारी करके इतिहास रच दिया। वहीं परीक्षा के खत्म होने के मात्र 42 दिन के बाद रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। आनंद किशोर ने जानकारी दी है कि बोर्ड ने लगातार 6 साल से पहले रिजल्ट जारी करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें मॉडर्न सॉफ्टवेयर से रिजल्ट की प्रोसेसिंग हुई है। बिहार में 5 स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज का होगा निर्माण। बिहार में 5 स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने नेहरू पथ, अटल पथ एवं अन्य मार्गों पर हो रही सड़क दुर्घटना पर समीक्षा बैठक की है। पटना में सड़क दुर्घटना कम करने को लेकर ये बैठक की गई थी। इसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवर ब्रिज पास का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि पुनाई चक के पास, चिड़ियाघर गेट नंबर 1 के पास, तारामंडल के पास, कंकरबाग और सगुना मोड़ दानापुर के बीच फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद सड़क पार करने में पैदल यात्रियों को आसानी होगी। बिहार में होली के दिन होगी सरकारी शिक्षकों की ट्रेनिंग। बिहार में होली के दिन सरकारी शिक्षकों की ट्रेनिंग होने जा रही है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले कक्षा 1 से 5 तक के करीब 20,000 शिक्षकों की होली की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इस दौरान उन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी
SCERT के सेंटर पर जाना होगा। बिहार में शिक्षकों को होली के दिन ट्रेनिंग पहले कभी नहीं दी गई थी, ये पहली बार हो रहा है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT करीब 20,000 शिक्षकों को 25 से 30 मार्च तक प्रशिक्षण देगी। होली के दिन भी शिक्षकों की ट्रेनिंग जारी रहेगी, इसलिए छुट्टी रद्द कर दी गई है। भारतीय खो खो संघ के तहत खेलो इंडिया खो खो में बिहार बना उपविजेता। खेलो इंडिया खो खो भारतीय खो खो संघ के बैनर तले और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से लखीसराय में संपन्न हो चुका है। इसमें बिहार विजेता रहा और पश्चिम बंगाल विजेता बनने में सफल रहा। बिहार ने उपविजेता का स्थान अनमोल और लकी के कारण हासिल किया। इन दोनों का प्रदर्शन ही काफी अच्छा रहा था। आपको बता दें कि बिहार टीम ने पहली बार किसी राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में पदक हासिल किया है। प्रतियोगिता के बाद अनमोल और लकी को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। जेपी गंगा पथ कंगन घाट कनेक्टिविटी का काम पूरा। जेपी गंगा पथ कंगन घाट कनेक्टिविटी का काम पूरा हो चुका है। 15 अप्रैल से इसका ट्रायल होगा। पटना सिटी इलाके के लिए गायघाट के बाद दूसरी कनेक्टिविटी को चालू किया गया है। इसे पटना सिटी से गांधी मैदान सहित अन्य इलाकों पर जाना काफी आसान होगा। लोगों को आवाजाही में सहूलियत होगी, जाम से भी लोगों को मुक्ति मिल सकती है। इससे पटना सिटी से गांधी मैदान सहित अन्य इलाकों पर जाना काफी आसान होगा लोगों को आवाजाही में भी सहूलियत होगी जाम से भी लोगों को मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा बाईपास और अशोक राजपथ पर छोटी गाड़ियों का दबाव भी कम होगा। दूसरी ओर कृष्णा घाट कनेक्टिविटी का निर्माण काम भी तेजी से चल रहा है, इसे भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। इसे जून तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पेपर लीक के लिए बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को BPSC ने दी जिम्मेदारी। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 पेपर लीक मामले की जांच EOU कर रही है। इसमें EOU ने खुलासा किया है कि पेपर लीक के लिए बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को BPSC ने जिम्मेदारी दी थी। हिरासत में लिए गए अभियुक्त और बरामद दस्तावेज से ये खुलासा हुआ है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को ये जिम्मेदारी दी गई थी वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगियों परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है। जांच में ये खुलासा हुआ है कि कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस का मालिक पेपर लीक मामले में पहले भी जेल जा चुका है। इधर SIT फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को लेकर कही ये बात। पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को लेकर बयान दिया है। दरअसल वह होली मिलन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मीसा बेटी है और बेटी ही रहेगी, चाचा भतीजी का रिश्ता है और हमेशा रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ और चुनाव हम नहीं लड़ते हैं बल्कि जनता लड़ती है, जिताना और हराना दोनों ही जनता का काम है। इधर मीसा भारती ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही सभी से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। पाटलिपुत्र से RJD की प्रत्याशी मीसा भारती ने कार्यकर्ताओं को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा को लेकर बयान दिया। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा भागलपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर पार्टी इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो वही इससे पहले उन्होंने नेहा शर्मा के चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी नेहा कई फिल्मों की शूटिंग और इवेंट में व्यस्त है, अचानक चुनाव लड़ने की बात पर इस बार नेहा ने इनकार कर दिया है। अजीत शर्मा ने कहा है कि नेहा शर्मा जनता के दिलों में बसती हैं। JDU विधायक बीमा भारती RJD में शामिल। पूर्णिया के रुपौली से JDU विधायक बीमा भारती RJD में शामिल हो गई हैं। JDU से इस्तीफा देने के बाद ये RJD में शामिल हुई। बिहार विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बताया जाता है कि NDA की नई सरकार के गठन के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU से बीमा भारती काफी नाराज चल रही थी। इसके बाद ये RJD की संपर्क में थी और अब इन्होंने RJD का दामन थाम लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से बीमा भारती RJD की उम्मीदवार बनने जा रही हैं। JDU से इस्तीफे के बाद बीमा भारती ने कहा कि अति पिछड़ा का सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया।
ईडी की कस्टडी से सीएम केजरीवाल ने जारी किया ऑर्डर। ईडी की कस्टडी से दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला ऑर्डर जारी किया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। सीएम केजरीवाल ने जल मंत्रालय से जुड़ा ऑर्डर जारी किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को ऑर्डर का नोटिस भेज दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 दिन की रिमांड पर भेजा है। इसके बाद कोर्ट के अंदर सीएम केजरीवाल ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और अगर काम करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा। इसके बाद अब जल विभाग को लेकर केजरीवाल ने अपना पहला आदेश जारी किया है। पीएम मोदी के खिलाफ ये नेता कांग्रेस से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की इस लिस्ट में 46 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इसमें वाराणसी की लोकसभा सीट को लेकर भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया और सभी की नजर इसी पर टिकी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस सीट से कांग्रेस चीफ अजय रॉय चुनावी मैदान में होंगे। वाराणसी से अजय राय को कांग्रेस ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि साल 2014 और 2019 चुनाव में भी अजय रॉय पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि दोनों ही चुनाव में अजय राय को हार का सामना करना पड़ा था। ये पीएम मोदी के खिलाफ इनका तीसरा मुकाबला होगा। वहीं यूपी में कांग्रेस ने कुल 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा की है। सपा के साथ गठबंधन में उतरी कांग्रेस प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला सीएसके के होम ग्राउंड में होगा। आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला सीएसके के होम ग्राउंड में होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला 26 मई को चेन्नई में एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 नॉकआउट मैच में आयोजित किया जा सकता है। चेन्नई की ओर से क्वालिफायर मैच की अगुवाई की जा सकती है। ये एमएस धोनी के फैंस के लिए अच्छी खबर है जो आईपीएल 2024 का मैच खेल रहे हैं। वहीं बीसीसीआई की ओर से जल्द ही बचे हुए मैच से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक किया जा सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, पुरुषोत्तम मेहता, अभिलाषा कुमारी, पवन कुमार, उदय सिंह, मीत कुमार, रिशु कुमार, नदीमुद्दीन, निखिल सिंह, अभिषेक, मनोज कुमार, रोशन राज, सोना कुमारी, रजनीश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में मौसम कैसा है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।